नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके संघर्षों को अधिष्ठ करते हैं, उसके कष्टों को अधिनिष्ठ करते हैं और वास्तविक तौर पे धन की क्या वास्तविकता होती है उसे उसके जीवन पे दिखाने वाले होते हैं और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसे सत्य मार्ग पे ले जाने की ओर प्रेरित करते हैं, मतलब उसे सत्य रास्ते पे दिखाते हैं और उसके जीवन की वास्तविकता उसके समक्ष ला करके खड़ा कर देते हैं। तब जा करके प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित लक्ष्य को पहचानता है। इसलिए नौ ग्रहों में शनि देव को सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला ग्रह कहा जाता है। जबकि मैं बोलूंगा शनि नहीं होता तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाते। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो है अपनी खुद की राशि मकर को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और यह कब करेंगे, 17 जनवरी को शाम में 6:04 को, और यह कब तक कुंभ राशि में रहेंगे, 29 मार्च 2025 तक। जैसे ही यह शनि अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित तौर पे जब शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा तो आपके जीवन में इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि द्वितीय चरण में जब शनि की 7.5 प्रवेश होगी और प्रथम चरण में जब शनि का 7.5 था तो आपके जीवन में बहुत नुकसान हुआ। जब शनि के 7.5 का प्रथम चरण आपके जीवन में चला तो व्यर्थ की विदेश यात्राएं, व्यर्थ का धन कहानी, मान सम्मान में कमी, दाम्पत्य जीवन में बाधा, इसके अलावा जो है दूसरों पर विश्वास करने का गलत परिणाम, अपनों से धोखा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खुद के वास्तविक जीवन से विमुख हो जाना, नौकरी में भी परेशानियां आईं और खुद की संपत्ति का नुकसान और व्यर्थ के आरोप में फंसाने तक की स्थितियां आपके जीवन में आई, और यात्राएं तो इतनी बुरी स्थितियों में हुआ है कि मैं क्या बताऊं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में जब शनि के 7.5 का प्रथम चरण था तो रुपए रुपए के लिए भी आपको सोचना पड़ गया। जैसे ही यह शनि के 7.5 का द्वितीय चरण आपके जीवन में प्रवेश करेगा कुंभ राशि वाले, निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुशियों का बहार आएगा, खानदानी संपत्ति का लाभ, धन की प्राप्ति और ना जाने कितने लाभ होंगे जो वीडियो के अभी आगे पड़ाव में मैं आपको बताता हूँ। प्रिय कुंभ राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके लग्न में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में बन जाएगा सस नामक राजयोग, क्योंकि यह केंद्र में रहेगा और द्वादश स्थान का मालिक है को का और जहाँ के शनि कारक होते हैं तो कारतत्व नामक राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे स्थितियों में जो है सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का कब पड़ेगा मैं आपको यह बता दूं। शनि 17 जनवरी से 15 मार्च तक जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और 0 से 6 डिग्री के मध्य में रहेंगे। इस समय शनि का प्रभाव थोड़ा थोड़ा लाभकारी मिलना चालू होगा, लेकिन क्योंकि शनि इस समय बाल अवस्था में रहेंगे तो बहुत ज्यादा फल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही शनि का प्रवेश मजबूत कंडीशन पे होगा यानी जैसे ही फिर ये 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में 16 मार्च से 17 जून के मध्य में जाएंगे और सतभिषा नक्षत्र जो इनके मित्रगत राशि राहु के नक्षत्र यहाँ जाएंगे, तब शनि का प्रभाव बहुत पावरफुल मिलना चालू हो जाएगा और 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में शनि वक्री होंगे। शनि एक पापी ग्रह है और जब यह वक्री होगा तो वक्री ग्रह अगर कोई पापी हो तो वह ग्रह का फल 10 गुना बढ़ जाता है। इस समय शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और 2024 में जो है युवा अवस्था और पौड़ अवस्था में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जो गुरु का नक्षत्र है, यानी पूरे 2.5 वर्ष शनि की स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा मार्च से। प्रिय कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे ही यह शनि का प्रवेश हो जाएगा तो आप अपने जीवन में क्या क्या आपके जीवन में बदलाव होगा इसकी जानकारी मैं दे दूं। सर्वप्रथम जैसे ही यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो खास करके जो व्यक्ति जुडिशियल में है, जो सिजेरियन डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति कोयला से रिलेटेड, माइन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड,
या फिर जो है जो भी व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, आईटी के सेक्टर में है, जो व्यक्ति फाइनेंस के सेक्टर में है, और साथ में जो भी व्यक्ति एक दूसरे के मध्य में बिचौलियों का काम करता है उसके लिए लाभकारी है। जिनको विदेश जाना है उनके लिए सीधा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, और जो व्यक्ति विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए सीधा लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। जैसे ही कुंभ राशि वाले शनि कुंभ राशि में आएंगे तो अपने जीवन में जो निर्णय और डिसीजन आप नहीं ले पाते थे वह निर्णय और डिसीजन बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप लेना चालू कर दीजिएगा। जो लोगों ने आपको बदनाम किया, जो लोगों ने आपको गलत आरोप में व्यर्थ का फंसाया, वो लोग खुद ही बोलेंगे कि मैं गलत था, आप सही थे, यानी गलत आरोपों से बचना चालू हो जाएंगे। क्रोध और चिड़चिड़ापन में कुछ गलतियां हुई, कुछ वैचारिक मतभेद समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से हुआ, जिसके चक्कर में दाम्पत्य जीवन हो या लव लाइफ हो दोनों खराब हुई, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी, खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होगा, पिता से रिलेटेड संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा और स्थान परिवर्तन होने की संभावना भी बन जाएगी। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दाम्पत्य जीवन अस्थिरतापूर्ण था, मतभेद था, परेशानियां थी और आप एक अलग से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते थे, इसमें जो है आप अपने जीवन का बड़ा निर्णय और डिसीजन लेना चालू कर देंगे। आपका प्रभाव दूसरों के समक्ष जाता नहीं था, आप अपने आप को लोगों के मध्य में प्रेजेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। डिप्रेशन और तनाव ना जाने कितने सालों से चल रहा था उसमें कमियां देखने को मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस समय जो है आपके खुद के दौलत, खुद की संपत्ति दूसरे हड़प के बैठे हुए थे वह मिलना चालू हो जाएगा। आपकी वॉक शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरों के समक्ष जवाब देने की कैपेसिटी आ जाएगी और संघर्ष जो आपके जीवन में हो रहा था जिसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, यह संघर्ष का बहुत ही बेहतर परिणाम दिखना चालू हो जाएगा कुंभ राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके पिता और आपके परिवार के लोग प्रॉपर आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। पार्टनरशिपिंग को लेकर के जो विवाद या अस्थिरताएं थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। गई हुई नौकरी पुनः वापस आ जाएगी, जो सीनियर अधिकारी आपके वैल्यू नहीं करते थे या गलत आरोप में फंसा दिए थे या व्यर्थ के केस मुकदमा से रिलेटेड विवादों में जो फंसा दिया गया था उससे बाहर आना चालू हो जाएंगे। कंटिन्यू एक ही जगह पे कई सालों से नौकरी कर रहे हैं और आपका शोषण हो रहा है उससे बचना चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, छोटे भाई बहनों से विवाद जो था या छोटे भाई बहनों से आप चाहते थे कि मैं बचूं या अपने लाइफ को किसी प्रकार से देखूं, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। प्रथम संतान से तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन द्वितीय संतान से भी तालमेल बेहतर होगा, लेकिन द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा ससुराल पक्ष वाले आपके सीधे वैल्यू करना चालू कर देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी प्रशासनिक पकड़ आपके जीवन में नहीं था या समाज में या मान सम्मान जो नहीं मिलता तो वह मिलना चालू हो जाएगा। पदोन्नति प्रमोशन क्योंकि होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है, और स्थिर राशि कुंभ होने के कारण क्योंकि कुंभ राशि में शनि रहेंगे तो आप बहुत ही सोच समझ करके अपने डिसीजन को लेंगे और दूसरों के समक्ष आप एक क्षमता वाले स्थितियों में प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके जीवन में हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी विवाद हो तो आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने का नीड रहेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे, सरकार के लोगों से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, कई सालों से रुका हुआ नौकरी या व्यवसाय पुनः प्रारंभ हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में आप एक निर्णायक मोड़ लेंगे और जिनका विवाह पहले से खराब हो चुका था उनके लिए द्वितीय विवाह का योग बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है। शनि या किसी कारण से वैवाहिक जीवन में कष्ट था लेकिन आपको खुद का कह सकता हूँ एलिमनी या फिर आपको खर्च नहीं मिल पाता था तो वह भी मिलना चालू हो जाएगा। शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आप अपने जीवन में एक स्थिरता की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे और अपने जीवन में जो है कहीं ना तो कहीं बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति महसूस करना चालू कर देंगे। साथ में बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप आगे बढ़ेंगे और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में बड़े इन्वेस्टर भी आपके समक्ष आने चालू हो जाएंगे।
फिर भी कुंभ राशि वाले इस शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी या बिस्किट अवश्य दीजिए शाम के समय। जो भी आपके घर में गरीब हैं या आपके नीचे तख्ते के लोग हैं या समाज में जो दूसरों से भिक्षा मांग करके अपने जीवन यापन करते हैं, उनका सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए और उनके लिए कुछ न कुछ दान अवश्य शनिवार के दिन कीजिए। या गरीब घर के भी लोग जो आपके अंदर में काम करते हैं, जो आपके सेवक है, मैं नौकर तो नहीं बोल सकता, जो सेवक है, जो आपके बड़ों बड़े कामों में छोटे छोटे कामों में सहायता करते हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। छोटे भाई बहनों से मतभेद मत कीजिएगा, शांति से सारे स्थितियों को टेकल करना है और पिता से भी मतभेद की स्थितियों से बचने की नीड रहेगी, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है, जो पिता से थोड़ा तालमेल खराब कर सकता है या पिता को कष्ट दे सकता है। हालांकि शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण का जितना पूजा करें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और हर सोमवार के दिन जल में काला तिल डालकर के शिवलिंग पे जल अवश्य अर्पित कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन को ठीक करना या विवाह से रिलेटेड कोई भी समस्याओं को ठीक करना, तो प्रत्येक दिन जल में थोड़ा गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए। देखिएगा कुंभ राशि वाले, सारे परेशानियां दूर होनी चालू हो जाएंगी और जीवन में एक नए रूप में और एक नई परिस्थितियों में आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट होने वाले हैं। इसीलिए कुंभ राशि वाले, यह शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गुड न्यूज आपके जीवन में लेकर के आ रहा है, बस केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि जो अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा शनि का द्वितीय चरण 7.5 का, इसका क्या फल मिलेगा, क्या उपाय है, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।